आज भी हमने रिकॉर्डिंग पे ही नहीं डाला, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। यस, तो कमिटीज के बारे में बात करें तो विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक तरीका, एक पहलू है। मतलब जो पार्लियामेंट से कोई भी काम होता है तो हमने पार्लियामेंट के अंदर कई तरह की डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज को बना के रखा हुआ है। ये कमेटी केवल कानून बनाने में ही नहीं, जैसे मैंने बताया कि कमेटी का काम एक कानून बनाना तो है, लेकिन सिर्फ कानून बनाने नहीं वरन संसद के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब जो इनका काम, जो दीज कमेटीज प्ले अ वाइटल रोल नॉट मियरली इन लॉ मेकिंग बट आल्सो इन द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। यानी कि जो हाउस का मतलब यहाँ पर घर से नहीं है, यह पार्लियामेंट से है। तो पार्लियामेंट के दिन जो रोजाना के रोजमर्रा के काम है उनके अंदर भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है। देखो बेटा क्या होता है ना, पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि पूरे साल के 365 दिन पार्लियामेंट की मीटिंग्स चलती हैं, सारे जो मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे के सारे वहीं पर बैठे रहेंगे पूरे साल भर। ऐसा नहीं है, दिल्ली में नहीं बैठे रहते हो, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, निर्वाचन क्षेत्र में जहाँ सब चुन के आए हैं वहां जाते हैं लोगों के, पब्लिक के ग्रीवेंसेस सुनने के लिए। तो सिर्फ साल में 3 बार ही पार्लियामेंट की मीटिंग्स होती है, विंटर सेशन, समर सेशन और ऑटम सेशन। यानी कि एक तो ग्रीष्मकालीन और एक आपका शीतकालीन और एक वसंत के टाइम में ऑटम सेशन में 3 बार मीटिंग्स होती है, और वो लगभग सोचो कि साल में 3 महीना के लगभग पार्लियामेंट बैठती है। अब 3 महीना बैठी है, 3 महीने के अंदर तो बहुत सारे काम जो पार्लियामेंट को निपटाने होते हैं वो सारे तो नहीं कर पाते, तो इसलिए हमने क्या किया है, ये कमेटीज हैं ये पूरा काम करती हैं 3 महीने के अलावा भी। इनके पास में जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसके ऊपर ये काम करती है पूरे साल भर। तो ये बोले संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसलिए उनके पास अत्यंत सीमित समय होता है किसी कानून को बनाने के लिए। उसे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है, इसके लिए उस पर ज्यादा ध्यान और समय की जरूरत है। इसके अतिरिक्त कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जैसे विविध मंत्रालयों की अनुदान मांगों का अध्ययन। ये मैं बता चुका हूँ कि अगर कोई भी इम्पोर्टेंट मैटर है, मान लो कि कोई दूसरी मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसा मांगती है, मान लो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है पर्यावरण मंत्री जो पॉल्यूशन कंट्रोल्स को करती हैं, पेड़ वगैरह को देखती हैं सारा, ये पर्यावरण मंत्रालय पैसा मांगती है कि हमें इतने करोड़ रुपए चाहिए अपने काम के लिए, तो ये जो कमेटीज है उसके ऊपर पूरा गहन डीपली उसको स्टडी करती है कि वास्तव में इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री को इतने पैसे की जरूरत है क्या। रेलवे मिनिस्ट्री मांगती है तो उसके ऊपर डिस्कशन करेगी कि रेलवे मिनिस्ट्री इतने पैसे के जो इन्होंने काम दिखाया है क्या वो इतने पैसे का है या इससे कम पैसे का है। तो विभिन्न इसके साथ में अलग अलग विभाग के खर्चों की जांच, मान लो कि आपने हरियाणा को पैसा दिया और हरियाणा जैसे फ्लड रिलीफ के लिए बिहार उत्तर अभी बीच में ना बंगाल में तूफान आया तो उसके लिए पैसा दिया, ये कमेटी क्या करेंगे वो पैसे को पूरा सही से खर्चा किया गया कि नहीं उसकी जांच करती है, ठीक है, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है। 1983 में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई थी। यानी कि ये जो कमेटी है ना, परमानेंट कमेटीज का, ये कोई पहले से प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है कि कमेटीज होंगी, कार्य करेंगे, इस तरह से उनका काम करने का तरीका होगा, लेकिन ये 1983 के बाद में इस तरह की कमेटियां का प्रोविजन ले लिया गया है। और अभी विभिन्न अलग अलग जो उनके पास में सब्जेक्ट है जिनके ऊपर वो डिस्कशन करती हैं, और 20 कमेटियां आपके पार्लियामेंट के अंदर है, वो कार्य उनके क्या है, विभिन्न विभागों के बजट खर्चे उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती है। स्थायी समिति के साथ में कुछ संयुक्त समितियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। देखो कमेटीज क्या हो सकती हैं,
एक तो लोकसभा अपने मेंबर्स में से ही बना रहे हैं, मान लो लोकसभा के 543 मेंबर्स हैं, तो एक तो ऐसी कमेटी होगी जिसके अंदर सिर्फ लोकसभा के मेंबर हों, और एक ऐसी भी हो सकती है कि ज्वाइंट कमेटी हो, जिसको हिंदी में संयुक्त कमेटी बोलते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की कंबाइंड कमेटी बन जाए, ठीक है, तो उसको संयुक्त समिति के नाम से बोला जाता है। फिर कुछ टेम्परेरी कमेटीज भी होती हैं, ये तो परमानेंट की बात होगी। टेम्परेरी का मतलब ये है कि उनको जो काम दिया गया है वो काम, सोचो कि बजट के ऊपर उनको डिस्कशन करना है कि बजट तैयार हो रहा है उस टाइम, तब वो डिस्कशन के लिए बैठती हैं, लेकिन जैसे ही बजट का घोषणा कर दी गई पार्लियामेंट में तो उस कमेटी का काम खत्म हो गया, तो वो उसके साथ ही कमेटी भी खत्म हो जाती है। यानी कि दो तरह की कमेटी, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी कमेटी। परमानेंट कमेटी क्या है, वो पूरे साल भर अपना कार्य करती है, क्योंकि साल भर संसद नहीं चलती है तो वो अपने काम में लगी रहती है, लेकिन टेम्परेरी कमेटी को कोई काम दिया गया है, वो काम कंप्लीट होने के बाद में वो कमेटी खत्म हो जाती है। तो कमेटी से फायदा क्या हो गया, अगर बोला सोचो तो आपको पूछ ले कोई, कमेटी से क्या फायदा हुआ, तो ये तो आप बोल ही सकते हो कि जो पार्लियामेंट का है वो काम हल्का हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट तो साल में 3 बार बैठती है और बाकी पूरे साल भर ये कमेटीज काम करती हैं, तो पार्लियामेंट के पास में कम जिम्मेवारी होगी कमेटी बनाने की वजह से, ठीक है। तो ये काम पूरा इनके पास समय आ जाता है, पार्लियामेंट थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करती है इस तरह से। नेक्स्ट आ जाता है कि आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको हम संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है, पार्लियामेंट जो है अपने आप को कैसे कंट्रोल करती है, उसके बारे में इसको भी आज खत्म कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपके दो ही चैप्टर लिए हैं, और जिसमें क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर है, एक तो राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में अधिकार, जो आपके अभी आपके पास कल मैंने ग्रुप पे मैसेज कर दिया था, होपफुली आपने देख लिया होगा, और सेकंड चैप्टर होगा ये वाला ही लेजिस्लेचर विधायिका। इस चैप्टर को इसलिए लिया है कि अभी चल रहा है, आपको कुछ चीजें याद होंगी, कुछ मैं आपके पास में क्वेश्चंस इनके भेज दूंगा, उनको आप पढ़ोगे टॉपिक्स को या फिर एमसीक्यू फॉर्म में, तो आप उनको याद कर लेंगे तो आपका हेल्प मिलेगी, जब आप ये जो टेस्ट आपका है, आपके पास में डेट शीट पहुंच गया बेटा, अरे जल्दी से मैसेज कर दिया करो, बहुत टाइम लगाते हो बेटा। प्रियंका बोल रही, हाँ डेट शीट भी पहुंच गया होगा, सिलेबस भी पहुंच गया होगा, सिलेबस मैंने डाला था, सेकंड चैप्टर है आपकी बुक का राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और विधायिका, ये वाला चैप्टर, दो चैप्टर आ रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हैं, संसद श्रम को कैसे नियंत्रित करती है, अपने आप को कैसे कंट्रोल करती है। तो हम पहले पढ़ चुके कि संसद बहस मुबहिसे का मंच है, संसद का पहला काम क्या है, डिबेट करती है, डिस्कशंस करती है, और सरकार जो भी कानून लेके आती है उनके ऊपर, देश के अंदर जो समस्याएं हैं उनके ऊपर डिबेट और डिस्कशन करने का ही सबसे बड़ा मंच है, यह सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है, ताकि संसद की कार्रवाई आसानी से चले, उसकी गरिमा बनी रहे, मतलब जो भी संसद में काम होते हैं वो सार्थक होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, ताकि संसद की जो रिस्पेक्ट है वो गरिमा है वो बनी रहे। खुद संविधान में संसद की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रावधान किए गए हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही सारे प्रोविजन किए गए हैं कि पार्लियामेंट कैसे काम करेगी, और आपको मैं बता ही चुका हूं कि लोकसभा को कंट्रोल करने के लिए उसके कार्रवाई का पूरा सदन का अध्यक्ष होता है, जिसको लोकसभा का अध्यक्ष, मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि क्लास को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटर की जरूरत पड़ती है, सिमिलरली पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज हैं, तो लोकसभा को कंट्रोल करने के लिए
लोकसभा का अध्यक्ष होता है जिसको स्पीकर के नाम से बोला जाता है। सिमिलरली राज्यसभा के अंदर चेयरमैन बोला जाता है, ठीक है ना, उसको पदेन सभापति या चेयरमैन के नाम से बोला जाता है। यानी कि लोकसभा को कंट्रोल करने के लिए, उसको चलाने के लिए, स्मूथली फंक्शन करने के लिए लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के लिए चेयरमैन। लोकसभा का अध्यक्ष मैंने कहा था कि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोला जाता है, और वो पदेन सभापति, जिसको हिंदी में पदेन सभापति कहते हैं, ये जो देश का राष्ट्रपति होता है वो ही राज्यसभा का चेयरमैन बनता है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। और तो अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आप, 120 पे। 120 के ऊपर दे रखा है इसमें कि एक और तरीके से सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। हम यही पढ़ रहे हैं कि बेटे संसद अपने ऊपर किस तरह से कंट्रोल कर दिए। तो संसद के सदस्यों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमने बता दिया लोकसभा का अध्यक्ष है, राज्यसभा में राज्यसभा का अध्यक्ष है जो उपराष्ट्रपति है, वो उनको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। फिर आपने शायद दल बदल विरोधक निरोधक कानून के बारे में सुना होगा। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुनाव चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहें तो क्या होगा? स्वतंत्रता की काफी समय के बाद यह समस्या बनी रही। अंतर दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी भी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या संसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। इसका कंक्लूजन यह है कि बेटा, यह आपने सुना होगा कि फलाना विधायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये फलाना नेता पहले इस पार्टी में था, उसने उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। सोचो कि कोई एक 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो सरकार का हिस्सा है, और वो 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी लालच में आके दूसरी पार्टी में चले गए, तो ये वाली जो सरकार थी उसके 10 मेंबर कम हो गए। यानी कि सोचो कि 272 ही मेंबर थे उसके पास, उसमें से 10 चले गए, तो अब 262 हो गए। तो अब 262 हो गए सरकार के पास, तो सरकार चल नहीं पाएगी, क्योंकि कम से कम 272 होना चाहिए। तो ऐसी स्थितियां कई बार आई जिसकी वजह से सरकार अपने 5 साल पूरा नहीं कर पाती है। और विपक्ष क्या करेगी, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएगी, भाई आपके पास तो मेजोरिटी नहीं है, तो आपको सरकार में बने रहने का हक नहीं है। तो इन बातों को देखकर सभी पार्टियों में ये हुआ कि ये दल बदल वाला काम है कि एक पार्टी से मेंबर निकलकर दूसरी पार्टी में चला जाता है, और इससे काफी परेशानी होती है सभी पार्टी को। तो इसके ऊपर कानून लाना चाहिए। तो फिर एक आपका दल बदल विधेयक लेके आए। ये आपका पहले तो इसके लिए 1985 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया, इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। इसे बाद में 91 संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। यानी कि एक बार 52वां किया, यानी कि जब भी आप कोई कानून में जो संविधान में दिया हुआ चीजें हैं उसमें कोई बदलाव करना है तो पार्लियामेंट को ही ये पावर है कि कानून के अंदर बदलाव करना, ठीक है ना, पहले से जो चीजें दे के रखी है। तो अब इसको बदलना था या नया कुछ प्रोविजन लाना है, तो हमने एक बार 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब ये है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था 1950 के अंदर, जो देश में लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो उसके किसी भी पार्ट में अगर आपको चेंज लेके आना है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के संविधानिक संशोधन बोला जाता है। और संविधान में संशोधन करने के लिए बेटा सबसे सुप्रीम शक्ति है वो पार्लियामेंट के पास है, संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संशोधन, अब जैसे ये 52वां संशोधन लिखा है, इसका मतलब इससे पहले 51 संशोधन हो चुके थे, बदलाव हो चुके थे, जब 1985 के अंदर हम दल बदल विरोधी कानून लेके आए कि कोई भी पार्टी के सदस्य जीत कर जिस पार्टी से आए, अगर वो उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे
तो उनका जीता हुआ चुनाव है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको दोबारा चुनाव लड़ना होगा। ताकि दोबारा चुनाव लड़ने का मतलब यह है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा और उसका पहले वाला चुनाव की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो बड़ी मुश्किल से तो कोई चुनाव जीत के आता है और उसके बाद में उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाए। तो इस डर से लोग क्या करेंगे, अपनी पार्टी के अंदर बने रहेंगे, पार्टी को नहीं छोड़कर कहीं जाएंगे। तो इस वजह से 1985 में 52nd अमेंडमेंट लेके आए, लेकिन इसमें भी लगा कि कुछ कानून में कुछ कमियां रह गई है। फिर 1991 में 91 में फिर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए, ठीक है। अब ये दूसरा संशोधित है, इसका मतलब क्या है, संसद का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय लेता है। यानी कि जो संसद का अध्यक्ष कौन है, जैसे कि लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का चेयरमैन, तो वो जो है दल बदल से रिलेटेड उसकी पावर अंतिम होती है, तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। यानी कि जो वो निर्णय लेगा कि भाई इस इंसान ने दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन किया है, तो जो लोकसभा का चेयरमैन है, अध्यक्ष है, स्पीकर है, उसका डिसीजन सबको मानना होगा। तो ये है आपका दल बदल कानून। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे। अब क्या है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ना, जैसे मान लो कि आपने किसी एक पार्टी के साथ में ज्वाइन कर लिया है, तो जब उस पार्टी की मीटिंग होगी, पार्लियामेंट के मेंबर्स की मीटिंग होगी, तो उसको जरूर ज्वाइन करना होगा। अगर नहीं ज्वाइन करते तो उसका कारण बताना होगा। अगर नहीं कारण बता के भी आप अब्सेंट रहते हैं, या किसी कानून के ऊपर आपकी पार्टी आपको बोलती है कि उस कानून के अगेंस्ट में वोट डालना है, लेकिन अगर आपने उस कानून के फेवर में डाल दिया, इसका मतलब आप पार्टी के साथ ही नहीं है। तो अगर आप पार्टी के साथ नहीं है तो आपको पार्टी में बने रहने का हक नहीं है, तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। यह दल बदल का कानून कहता है। दल बदल निरोधक कानून को समझ पाए क्या है? अरे अपनी पार्टी जिस पर आप चुनाव जीत कर आए हो, सपोज करो कि मैं बीजेपी में हूं, भारतीय जनता पार्टी में, मैंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मैंने रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक चुनाव जीता, और चुनाव जीतने के बाद में मैं पार्टी के साथ ना रह के दूसरी पार्टी का सपोर्ट करता हूं अपनी पार्टी को छोड़ के, तो मैंने क्या किया, मैं अपनी पार्टी के साथ में सिंसियर क्यों, तो मेरे खिलाफ पार्टी बदल विरोधी कानून के तहत काम एक्शन ले सकती है और मुझे पार्टी से निकाला जा सकता है। समझ गए बात? तो ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर विधायिका भी पूरा हो गया, और जब तक आपका टेस्ट होगा तो फिर हम आपके इस चैप्टर से रिलेटेड और पहला सेकंड चैप्टर से रिलेटेड उनके क्वेश्चन आंसर ही कराएंगे, ठीक है ना, एमसीक्यूज कराएंगे, और उसी का प्रैक्टिस कीजिए। एमसीक्यूज हम आपको डिस्कशन करेंगे, और ताकि आप जो अभी टेस्ट होगा उसमें आपको हेल्प मिल सके, और इन चैप्टर को, दोनों को, चैप्टर नंबर सेकंड और ये फिफ्थ चैप्टर, इसको थोरोली आप पढ़िए, 2-3 बार पढ़ो तब तो कुछ आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसे कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, हरियाणा के अंदर कितने मेंबर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स किसे कहा जाता है, ये चीजें तो बेटा अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ली है तो ये छोटी सिंपल चीजें हैं, ये तो आपको जानना चाहिए। प्रधानमंत्री किसे है, वो कैसे कैबिनेट को अपनी, ये सारी चीजें आप साथ साथ में सीखते जाओ। न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत कुछ चीजें मिलती है, रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़िए ताकि आपको बेसिक चीजें तो पता लगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है मैं पूछूंगा तो आप चुप रह जाओगे, अभी मैंने बताया है, तो ऐसे मत करो बेसिक चीजों को, नहीं तो फिर बेटा पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ पाओगे आप। बहुत इजी है
लेकिन उसके लिए जी है जिसको इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट होगा वो यहाँ मेरे पढ़ाने के अलावा भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेगा और कहीं वीडियोस देखेगा, न्यूज़ देखेगा, तो सारी चीजें क्लियर होती है। ठीक है, आप अभी एग्जिट कर जाइए, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया।